कितना ही कोई भी सरकार आ जाए, भारतीय जनता पार्टी की आ जाए, समाजवादी पार्टी की आ जाए, कोई भी सरकार सारे लोगों को नौकरी नहीं दे सकती। कारण क्या है सर? कोई आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। इतनी पॉपुलेशन है और इतनी पॉपुलेशन मल्टीप्लाई हो रही है कि उतने रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास। राम मंदिर बनवाया है, 370 हटवा दिए और विकसित कार्य बड़े बड़े पुल बनाए उन्होंने बॉम्बे वगैरह में। एक इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन जो भी है वो उसी को नहीं संभाल पा रहे तो देश को क्या संभालेंगे वो। उनके एक एक नेता ये पार्टी छोड़ रहे, एक तो भाजपा में शामिल हो रहे, कोई किधर जा रहे, उनका खुद का ठिकाना नहीं है, वो कहाँ देश को संभालेंगे। क्योंकि विपक्ष में कोई दम है नहीं, ना कोई उनका नेता है ना कुछ है, ठीक है। उनका जो गठबंधन है जिसे अपन ठगबंधन कहते हैं, तो वो भी नहीं संभाल पा रहा है। जो कल को एक दूसरे को गाली दे रहे थे, आज वो सब एक साथ बैठे हुए हैं, मतलब तो भी नहीं संभाल पा रहा है। महीने लोकसभा का चुनाव है, आप काफी अनुभवी लग रहे हैं, काफी सारे चुनाव देखा होगा आपने, क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, मोदी जी की सरकार बन रही है। लोकप्रियता चेहरे के नाम पर सरकार या विकास के नाम पर सरकार वापस से बन रही है? विकास के नाम पर बन रही है, डेवलपमेंट के नाम पर बन रही है, देशभक्ति के नाम पर बन रही है, और अपनी संस्कृति को सहेज के रखने की जो विल पावर होती है किसी सरकार के अंदर, उसके नाम पे बन रही है। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं अपन, लेकिन हमारे देश के जो हमारा सनातन जो परंपराएं हैं उनको संजो कर रखने वाली जो भावना है उसके नाम पे बन रही है। क्या कमी है कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टियों में, राहुल गांधी में क्या कमी है, आखिर क्यों नहीं मौका मिल रहा उनको? तो अब ये उनकी कमी, देखिए मेरा इतना व्यक्तित्व नहीं है कि मैं उनकी कमियाँ किसी की गिना सकूँ, बट ये है कि जनता में पॉपुलर नहीं है। जनता जो वो करना चाह रहे हैं वो मैसेज नहीं दे पा रहे हैं जनता में, वो जनता में वैसी चीज़ वो कह नहीं पा रहे हैं। तुष्टिकरण को लेकर शुरू से चल रहे हैं, शुरू से तुष्टिकरण को लेकर चल रहे हैं। समान धर्म भाव जो लेके चलना चाहिए उसको लेके नहीं चले। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मोदी के सामने कोई विकल्प ही नहीं है, तो उस ऑप्शन को कहीं ना कहीं ख़त्म करने के पीछे विपक्ष क्यों बैकफुट पर चली आई? तो ये तो कलात्मकता है पक्ष की, यही तो भारतीय जनता पार्टी की और मोदी की और मोदी से जुड़े हुए जितने भी पूरी मिनिस्ट्री जो है उसकी ये खासियत है कि उन्होंने इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया है, अपने कामों को देश के सामने रखा है कि विपक्षी जो है वो कुछ उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। चलिए तो आपका पक्ष हुआ, मैम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अगले अपने प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहती हैं, किसके सर पे प्रधानमंत्री का ताज चाहती हैं? ऑफ कोर्स मोदी जी। सर ने कहा मोदी इसलिए या आपके जहन में या आपके दिल में? बिल्कुल भी नहीं। क्या कारण है? जो डेवलपमेंट अब जो दिख रहा है, जो युवाओं में उत्साह दिख रहा है, जो हमारे देश का बाहर नाम दिख रहा है, वो वैसा का वैसा बना रहे, उसके लिए हमें मोदी जी चाहिए। बेरोजगारी पर कितना काम कर पाई है भारतीय जनता पार्टी, ये बताइए आप। सबको उन्होंने अपना उद्योग खड़ा कीजिए, इतनी बड़ी एक चाल दे दी है, एक स्वरोजगार के लिए एक चाल दे दी। सरकार जो है वो कितना ही कोई भी सरकार आ जाए, भारतीय जनता पार्टी की आ जाए, समाजवादी पार्टी की आ जाए, कोई भी सरकार सारे लोगों को नौकरी नहीं दे सकती। कारण क्या है सर? कोई आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। इतनी पॉपुलेशन है और इतनी पॉपुलेशन मल्टीप्लाई हो रही है कि उतने रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, तो रिसोर्सेज निकालने के लिए आपको स्वरोजगार को ढूंढना पड़ेगा ना, तब ना जाके क्या सभी लोग सरकारी नौकरी करेंगे क्या? फिर स्वरोजगार कौन करेगा, फिर बिजनेस कौन चलाएगा? तो इस सरकार ने बिजनेस के लिए, अब आप ये देखिए इस न्यू मार्केट में हम खड़े हैं, कोविड के 1.5 साल के बाद लोगों के अंदर इतनी परचेस पावर है कि लोग पैसा फेंके चले जा रहे हैं, तो ये कहाँ से आई है? ये बेरोजगारी होती तो ना आती है, बस यही। नारी शक्ति, नारी सशक्तिकरण, नारी के सम्मान के प्रति लगातार बीजेपी का ऐसा दावा रहता है, आप स्वयं नारी शक्ति का एक परिचय, एक उदाहरण है, क्या सच में हकीकत है ऐसा या ये भी हवा में बातें हैं ये सारी चीजें? नहीं देखिए, नारियों को खुद आगे आकर अपने हक के लिए लड़ना पड़ा है हमेशा ही, और वो आज भी लड़ रही हैं अपने अस्तित्व के लिए, आज भी वो आगे बढ़ रही हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट उनका है हमारे पीछे, एक हमारे अंदर आत्मविश्वास भरने में उन्होंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म दिए हैं, और उसके लिए मैं मोदी जी का भी और बीजेपी सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगी। अंकित वर्मा। अंकित जी, अगले महीने लोकसभा का चुनाव है और तमाम तरह की पार्टी सियासी जंग सब कुछ शुरू हो चुका है, आपके भीतर क्या हलचल चल रही है, किसको प्रधानमंत्री बनने के ओर आप देख रहे हैं? देखिए, मोदी जी का थर्ड टर्म रिपीट है, वो तो फाइनल है, पक्का है। अब की बार 400 बार भी पक्का है, क्योंकि विपक्ष में कोई दम है नहीं, ना कोई उनका नेता है ना कुछ है, ठीक है। उनका जो गठबंधन है जिसे अपन ठगबंधन कहते हैं, तो वो भी नहीं संभाल पा रहा है।
जो कल को एक दूसरे को ना गाली दे रहे थे, आज वो सब एक साथ बैठे हुए हैं, मतलब तो भी नहीं संभाल पा रहे हैं। बताइए आप। तो इसीलिए जो है मतलब मोदी जी ही बेस्ट हैं। और आप देखो जरा, मतलब 14 के पहले जो है ना भारत को लोग मतलब एक तुच्छ नजर से देखते थे, लेकिन आज जो है आप मतलब फक्र के साथ कहते हैं कि हम जो है भारत के हैं। तो मोदी जी के ही ना कारण है कि आज अपना विश्व में नाम हो रहा है। और जहाँ तक बात है कि उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने डेवलपमेंट के आंकड़े आपको दिख जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि राम मंदिर है, 500 साल पुराना जो वो था वो उन्होंने वो किया, और वो केवल मोदी जी ही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था। उनकी भी तो सरकार थी और तमाम उस समय भी राम मंदिर को लेकर चर्चाएं होती थी, क्या कारण था कि वो नहीं कर पाई है? तुष्टिकरण, सीधी बात, वोट बैंक, कि हम अगर राम मंदिर को लेंगे तो हमें एक पक्ष के वोट नहीं मिलेंगे, तो सीधी बात है। मोदी जी भी तो यही कर रहे हैं, राम मंदिर बनवा दिया, फिर हिंदुओं से कह रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पे वोट दीजिए। बिल्कुल नहीं, मोदी जी ने शुरू से कहा है सबका साथ सबका विश्वास सबका साथ, ये शुरू से कहा, किसी का एक पक्ष का नाम नहीं लिया उन्होंने। और आप बातें मुझे एक भी बयान बता दो उनका कि उन्होंने बोला कि हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कर रहा हूँ, कभी नहीं बोला। हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना है, भारत को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये किस तरह का बयान? हिंदू 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 राष्ट्र में सब सेफ है, सब बिल्कुल सेफ है। और आप देख लो 56 मुल्क हैं, इसराइल मुल्क, वहाँ पे कौन सेफ है? पाकिस्तान हिंदुस्तान साथ बने थे, लेकिन क्या हुआ पाकिस्तान का? मात्र 2% हिंदू रह गए वहाँ पे। और यहाँ पे आप देख लो क्या हालत है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सेफ, जो यदि अगर मैं बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा सेफ मुस्लिम केवल यहीं पर ही हैं। और पूरे टाइम विपक्ष ने केवल उनका नाम का यूज़ करा है वोट बैंक के लिए, लेकिन कभी भी विकास नहीं करा उनका। और पहले अगर विकास करते तो ये हालत नहीं होती तो आज हो रही है। क्या कारण है? बैकफुट पे चली आई, यही सारी कारण है। राहुल गांधी के हाथ में नेतृत्व है कांग्रेस का। भैया ये तो ना कर्मों का फल है, और आप अगर आपने कर्म अच्छे करते हैं तो आपकी हालत ये नहीं होती विपक्षी जो हो रही है आज, ठीक है ना। कर्म अच्छे करोगे तो फल भी अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। और आपने अगर जो पब्लिक के बारे में सोचा होता तो आज उनकी ये हालत नहीं होती कि आज जो है ना भारत यात्रा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। सब जरूरत है क्या भारत में आज जोड़ो यात्रा की? क्या टूटा हुआ है भारत सच में जो जोड़ रहा है? टूटा हुआ भारत, वो विपक्ष टूटा हुआ है। दिस इज कॉल्ड विपक्ष जोड़ो यात्रा, न कि भारत जोड़ो यात्रा। और विपक्ष भी नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, सीधी बात ये है, ठीक है ना। कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि अब उनको ना रोड पे आना पड़ रहा है, ठीक है ना। पहले जो आपको 60 साल 70 साल का समय मिला, आपने क्यों निकाला उस टाइम? कह तो रहे हैं कि हमने आधार बनाया था, उसी पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इमारत खड़ी कर ली और तमाम तरह की सियासी बातें। चलिए सम्मान लिया आपका कि आपने ना कानून बनाया, सब बनाया, तो आज वही कानून अपना काम कर रहे हो तो आप मतलब रो क्यों रहो? CBI ED फलाना ढिकाना क्यों रो रहे हो फिर आप? भाई ना कानून आपने बनाए थे, सब बेस आपने बनाया था, आज वही कानून काम कर रहे हो तो आप रो रहे हो? तो भैया ये मतलब दोगली बातें क्यों हो रही हैं? या तो आप स्टैंड रखो, कानून खराब है और अच्छा है तो आप उसका पालन करो फिर आप। क्या गारंटी है आपकी, मोदी की गारंटी 400 पार, आपकी गारंटी क्या है? बिल्कुल गारंटी है, मतलब 400 पार तो मिनिमम है ये। किस किस सरकार बना रहे हैं आप अगले लोकसभा चुनाव में? मोदी की। क्या कारण है मोदी की? आप तो युवा हैं, युवाओं के लिए मोदी ने ऐसा क्या कर दिया? लोगों का कहना है कि जादू टोना मंत्र कर दिया है कि मोदी 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 हर जगह हो रहा है, क्या कारण है? मोदी की गारंटी, कौन सी गारंटी, क्या कर दिया मोदी ने? मोदी ने बहुत कुछ किया है, वो तो अभी हम एक शब्द में बता नहीं सकते। अच्छा, एक शब्द में बता नहीं सकते, इतना कुछ कर दिया। क्या किया मोदी ने चाचा, सच सच बताइएगा दिल से, आपके क्या आवाज आती है लोकसभा चुनाव में? किसके सर पे प्रधानमंत्री का ताज होने वाला है? मोदी पे होने सर। सब मोदी मोदी क्यों? मोदी में हुआ, कारण क्या है? कारण क्या है? बहुत सारे काम किए उन्होंने, बहुत सारे काम। 370 हटा दी, राम मंदिर बनवाया, 370 हटवा दिए, और विकसित कार्य, बड़े बड़े पुल बनाए उन्होंने बॉम्बे वगैरह में, रोड के। क्या राम मंदिर से देश चल जाएगा? क्या राम मंदिर से देश चलेगा? कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी कह रहे हैं राम राम कहेंगे भूखे मर जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या करते रहते हैं, वो इधर से आलू डालते हैं, उधर से सोना निकालते हैं। बता यार, राम राम चलेगा, ये तो तकनीकी बात बता यार। उनका कहना ये तकनीकी है, क्या पता इन फ्यूचर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आलू से तो सोना कहीं बनाए, क्या बनाए सोना? यही कारण है कि उनकी सरकार नहीं बनेगी। बिल्कुल नहीं बनेगी, मौका नहीं मिलता हमको, मौका दीजिए हम काम। इतने सालों से करते आ रहे हैं, राज करते आ रहे हैं, 70 साल से राज किया। उनका कहना है कि मैंने आधार दिया, इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इमारत खड़ी कर ली। उन्होंने आधार दिया? उन्होंने यार ऐसे ऐसे काले कारनामे किए कि बता नहीं सकते, आम पब्लिक में अपन बता नहीं सकते। उन्होंने क्या किया देश के लिए, क्या कारनामे कर दिए काले कारनामे उन्होंने? देखो अभी उनका एक इंडिया गठबंधन बना है, इंडी गठबंधन जो भी है, वो उसी को नहीं संभाल पा रहे तो देश को क्या संभालेंगे वो?
उनके एक एक नेता ये पार्टी छोड़ रहे, एक तो भाजपा में शामिल हो रहे, कोई किधर जा रहा है, उनका खुद का ठिकाना नहीं है, वो कहाँ देश को संभालेंगे। इसलिए देश को कौन बेहतर तरीके से संभाल सकता है? सबसे अच्छा मोदी है। सबसे अच्छा मोदी है, कारण क्या? मोदी है, कारण क्या है? सब उनमें बुद्धि है, बुद्धि विचार से होते हैं सब चीजें। अच्छे से समरा है देश, वो समरेगा। काम हुआ है धरातल पर या हवे हवे में सब वादे इरादे खोखले हैं, ऐसे विपक्षी पार्टियों का आरोप है? नहीं, काम हुआ है, काम हुआ है, जब ही तो दिख रहा है। और काम होता नहीं तो काहे के लिए देखता है? ऐसा थोड़ी है, सारी जनता है, हैं जो 135 करोड़ जनता है, हैं जो उनसे जो उसके लिए देश विदेशों में उसका नाम चल रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसका नाम नहीं है, काम है, इसलिए नाम है। राहुल गांधी की लोकप्रियता और उनके बारे में आपके क्या ख्याल है? देखो ऐसा है, बुद्धि विचार ही नहीं है कुछ, है कुछ कार्य का 70 साल देख तो लिया है सब उन्हीं के। तो 70 साल उन्होंने कहाँ किया? उनके दादी उनके पिताजी कर रहे थे, उनको कहाँ मौका मिला? हाँ तो उन्हीं के पूर्वज का चल रहा है, हाँ उनका चला है, इसके बाद में हैं, अब इसके बाद में मोदी का है। बढ़िया विकास चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है।